तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की बोलने की शक्ति चली गई। मेरी बेटी की सुनने की शक्ति भी चली गई। हाँ, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर रही है, समझ रहे हो समरेश चट्टोपाध्याय? तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर रही है, समझ रहे हो तुम? मर रही है तुम्हारी वजह से। बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, बड़ी दीदी, तुम ये क्या कर रही हो बड़ी दीदी? हाँ, यहाँ पर प्रेस के लोग हैं, नीचे रिपोर्टर्स हैं, और तुम ये क्या कर रही हो? इस आदमी की वजह से सब कुछ हुआ है। ये आदमी ट्रैप में फंसाना चाहते थे ना तुम मुझे तुम ट्रैप में फंसाना चाहते थे ना? किसे मारना चाहते थे तुम, मुझे या काकुन को? बोलो ना। अरे वो तो तुम्हारी बेटी है समरेश, वो तो तुम्हारी बेटी है, क्यों नहीं समझे तुम? ये तुम्हारी बेटी है, किसे मारना चाहते थे तुम? यकीन करो, मैं नहीं जानता था कौशिकी। शब्द, एक शब्द मत बोलना। तुम पर भरोसा नहीं करती, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती समरेश, मैं तुम पर नहीं भरोसा करती, मैं भरोसा नहीं करती हूँ। बड़ी दीदी क्या कर रही हो? बड़ी दीदी शांत हो जाओ, इधर आओ। क्या कर रही हो बड़ी दीदी? बड़ी दीदी तुम क्या कर रही हो? शांत हो जाओ, संभालो अपने आप को। नहीं बड़ी दीदी, कुछ नहीं होगा उसे, उसे कुछ नहीं होगा, संभालो अपने आप को बड़ी दीदी, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। बड़ी दीदी फोन आ रहा है तुम्हारा, मेरी बेटी। बड़ी दीदी देखो ऑफिस से फोन आ रहा है, जल्दी से बात कर लो, करो। हेलो रात्रि। देखिए मैं कुछ नहीं जानती, आज मैं नहीं आ सकती, आज का दिन प्लीज आप लोग संभाल लीजिए, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बेटी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हाँ, आज मैं नहीं जा सकती, आप लोग आज का दिन संभाल लीजिए। बोल तो रही हूँ कितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग क्यों ना हो, आज मैं नहीं आ सकती, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। मैं जाऊं? कौन? कहाँ जाओगी? बोल रही थी जरूरी काम है, मीटिंग है। संभाल नहीं पाओगी? संभाल लूंगी। हमारी भी बिजनेस फैमिली है, मैं अच्छे से संभाल लूंगी, आप काकुन के साथ रहिए। उसे जाने दो कौशिकी, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी कोई हेडेक नहीं लेना चाहिए, ठीक है? उसे जाने दो। ठीक है, जाओ। लेकिन आप बता देती तो? मैं बता दूंगी, मेरी पीए वहां है, उससे बात कर लेना, और बाकी तुम्हारे ससुर जी हैं, वो तुम्हें गाइड कर देंगे। ओके, थैंक यू बड़ी दीदी। आज पहली बार कौशिकी मुखर्जी को बेवकूफ बनते देखा है। मतलब वो समझ भी नहीं पाई, अभी उनके इस क्राइसिस में वो एक और बार बेवकूफ बन गई, और तूने अपनी चाल अभी जल्दी मेहंदी। तुम क्या बोलना चाहती हो? तो शायद इसी मौके के इंतजार में थी, है ना?
कि कैसे कौशिकी मुखर्जी के ऑफिस में घुस पाए, कैसे कौशिकी मुखर्जी के चैम्बर में घुस पाए, कैसे कौशिकी मुखर्जी के ऑफिस में घुसकर कैसे उनके पद को तू कब्जा कर सके। तुम्हारी अकल की तो तारीफ करनी चाहिए, तुम तो सब समझ गई। मैंने एक दिन चैलेंज किया था, उस कुर्सी पर मैं बैठूंगी, मतलब जरूर बैठूंगी। छी मेहंदी, तुझे शर्म नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। वो जो कहते हैं ना, किसी के लिए खुशी का मौका तो किसी के लिए बर्बादी का। माय डियर दीदी, अभी खुश होने का मौका मिला है तुझे, लेकिन तेरी बर्बादी का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है मेहंदी। तुम बोलना क्या चाहती हो? माय डियर बहन, बी केयरफुल। आग सिर्फ चूल्हे में अच्छी लगती है, अवन में अच्छी लगती है, स्टोव में अच्छी लगती है, हवन में अच्छी लगती है, लेकिन जब खुद जलते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जलूंगी नहीं, जला दूंगी। मुखर्जी परिवार को जलाकर राख कर दूंगी। झगड़ालू कल्चर कहा था ना? उत्सव, क्या हुआ? मेरे साथ ऑफिस चलो। ऑफिस? लेकिन बड़ी दीदी, परमिशन दी है, उनका कंसेंट लेकर ही जा रही हूँ, नहीं तो गर्दन नहीं चली जाती। लेकिन अभी इस कंडीशन में? प्लीज चलो मेरे साथ ऑफिस, चलो। ओके, चलो ना। सिर्फ 2 दिन बचे हैं बहन, उत्सव अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होंगे देबू भैया, और सबसे पहले वो चंद्र बाबू। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा। वो देखो वो बैठी है रिसेप्शन पर। सब कुछ क्या कौशिकी मुखर्जी के मुताबिक होगा क्या? आप क्या इस घर की विधाता हैं बड़ी दीदी? इज्जत से बात करना सीखो मेहंदी। तुम तो झगड़ालू कल्चर हो ना, इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसा परिवार वैसी ही तो बेटी होगी। कंपनी की मालकिन ना भी रहूं, फिर भी सब मेरी ही बात सुनेंगे। एक दिन आप मेरी बात सुनेंगी और मैं कंपनी की मालकिन बनूंगी। हिंदी में एक कहावत है जानती हो, चने के झाड़ पर चढ़ाकर सीढ़ी खींच लेना। मैं पहुंच गई हूँ आपके चैम्बर के सामने, अब दरवाजा खोलूंगी और उस कुर्सी पर बैठूंगी। कौशिकी मुखर्जी अब झगड़ालू कल्चर वाली लड़की के सामने हार गई, कॉर्पोरेट कल्चर मात खा गई। Excuse me. Hello, excuse me. जगदात्री, आप यहां कैसे? गलत तारीख, गलत समय,
गलत तारीख और गलत समय चुना है तूने मेहंदी तेरे इस शुभ काम को करने के लिए। तुम यहाँ कैसे आई? आप ऑफिस में क्यों आई? किसने आने दिया आपको यहाँ? मैं कहीं भी कभी भी जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ। एटलीस्ट तुम तो ये जानते हो जमाई जी। ए, तुम क्या बोलना चाहती हो? चाबी मुझे दो। सॉरी, आज ये एंटायर ऑफिस बंद है। क्लोज्ड। ऑफिस बंद है? हाँ, गार्ड ने नहीं बताया क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम बोलना क्या चाहती हो? हाँ, आज छुट्टी है। हालांकि प्रिंटिंग सेक्शन अभी खुला है। मेहंदी तू ना वहाँ चली जा, बाकी ऑफिस बंद है। तू यहाँ से जा मेहंदी। तुम चाबी दोगी या नहीं? इम्पॉसिबल। कौशिकी मुखर्जी की चेयर पर। बिलीव मी मेहंदी, तो मेरी छोटी बहन है मेहंदी। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, चाहती हूँ, फिर भी बोल रही हूँ। कौशिकी मुखर्जी की उस चेयर पर तू नहीं बैठ सकती है। जगधात्री, तुम मुझे जानती नहीं हो। जानती हूँ, और जितना जानना बाकी था तेरे ससुराल में आकर उतना भी जान गई। कौशिकी मुखर्जी की जगह पर मैं तुझे बैठने नहीं दूंगी, किसी हाल में नहीं। ये डिसाइड करने वाली आप कौन है? चाबी उसे दे दीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? कौशिकी मुखर्जी ने हमें खुद बुलाया यहाँ आने के लिए। उनकी पीए के साथ बात करने के लिए बोला है, और फिर आज की मीटिंग ऑफिस में नहीं है, एक 5-स्टार होटल में है। डेलीगेट होटल में आ रहे हैं सभी। अब मैं तुझे रूम नंबर बता दूं क्या? जगधात्री, मैं सब समझ गई। तुम सोच रही हो मैं क्यों बैठूंगी उस कुर्सी पर? तुम बैठोगी उस कुर्सी पर, है ना? तुम्हारी नजर तो उसी पर है। फायदा नहीं है, आपके जैसी लड़की में ऑफिस चलाने की काबिलियत नहीं है। मेरे जमाई राजा जी, मुझ में क्या चलाने की काबिलियत है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। कभी कभी पिस्तौल, कभी कभी रिवॉल्वर। ए, तुम ये सब क्या बोल रही हो? हाँ, वो कुछ नहीं। मेहंदी, तुझसे एक बात कहती हूँ, सुन। दादी के बाद अगर मुझसे किसी ने प्यार किया है, अगर मुझे किसी ने भी चाहा है, वो ये औरत है, कौशिकी मुखर्जी। सॉरी, उन्हें किसी भी तरह का नुकसान मैं नहीं होने दूंगी। उनके परिवार को किसी तरह का नुकसान मैं नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ सिर्फ मुझे ऑफिस के अंदर जाने से रोकने आई हो, है ना? तुम इतना नीचे गिर गई कि अपनी बहन के खिलाफ जाकर उस कौशिकी मुखर्जी की ताबेदारी कर रही हो। इसके अलावा और क्या करेंगी? और क्या करेंगी ये? पहले दिन से ही बड़ी दीदी को सबके खिलाफ भड़का रही है ये। और बड़ी दीदी भी पता नहीं इन्हें देखकर कैसे हिप्नोटाइज हो गई। चुप, बिल्कुल चुप। किसी की ताबेदारी नहीं करती जगधात्री। और मेहंदी, मैं सिर्फ तुझे रोकने के लिए नहीं आई हूँ, उससे भी बड़े काम के लिए आई हूँ यहाँ पर। कौन सा काम? यहाँ एक खेल होगा। क्या? मेहंदी, क्या हुआ? हट जा, कोई आ रहा है। सुनिए, वहाँ से हट जाइए, कोई और भी आ रहा है। कोई आ रहा है मतलब? चोर डाकू आ रहे हैं क्या? चोर डाकू के बाप, रघु डाकू, कालू डाकू, ये भी कांप उठेंगे इनका नाम सुनकर। कौन आ रहा है? हेलो, आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। हे, कौन आ रहा है? कौशिकी मुखर्जी के ऑफिस में चांद उदय होगा,
क्या? चांद तू हट जा अभी जल्दी। तुम भी। Excuse me, इसकी चाबी सुनिए। क्या चांद बाबू चौंक गए? नहीं मतलब आपके सारे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स लेने आए हैं ना, आपके डायरेक्टर्स के एड्रेस, कंपनी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो लेने आए हैं ना? जगधात्री तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आने की? क्यों आई हो यहाँ? चोर को पकड़ने आई हूँ। What? चोर को पकड़ने आई हूँ, फिर आकर देखा ये तो चोर नहीं, ये तो हमारे चांद बाबू हैं। जगधात्री तुम मुझे जानती नहीं हो। जानती हूँ, जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। कुछ दिन रुक जाइए ना, देखिए ना क्या होता है। आप जो डॉक्यूमेंट्स ढूंढने आए हैं वो ऑफिस में ही सुरक्षित रखा है, वो आपको नहीं मिलेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत। हे, तुम किसे फोन कर रही हो? कौशिकी मुखर्जी को। व्हाट? हे, तुम कौशिकी मुखर्जी को फोन नहीं करोगी? तुम मेरी बात सुनो। मैं फोन करूंगी, मैं कौशिकी मुखर्जी को फोन करूंगी, उन्हें फोन करके बताऊंगी आप यहाँ आए हैं चोर की तरह। आपको तो पता है आज छुट्टी है, फिर भी आप यहाँ आए हैं। आपका यहाँ आने का कारण आप वो पेपर चोरी करेंगे और अपनी भतीजी के साथ अन्याय करेंगे। आपको शर्म नहीं आ रही है? यू आर अ क्रिमिनल। यू शट अप। आपकी डेट ऑफ बर्थ मैं जानती हूँ, मेरे पापा और आप भी एक ही उम्र के हैं, आप मेरे पिता समान हैं। पर शायद आप ये बात भूल गए हैं कि मैं आपकी बेटी समान हूँ। हम लड़कियों का कोमल हाथ अगर चल गया तो फिर हवा ही हो जाएंगे चांद बाबू। जगधात्री तुम क्या बोल रही हो? हाँ, पहला अपराध मानकर माफ कर रही हूँ, लौट जाइए यहाँ से। पर अभी तक बहुत से सवाल बाकी रह गए हैं चांद बाबू। कौन सा सवाल? काकुन को मारने की कोशिश नहीं की गई, गोली लगनी थी कौशिकी मुखर्जी को, निशाना चूक गया और वो गोली काकुन को लग गई। और ये पूरा मामला ऑर्गेनाइज किया है दिव्या सेन और कौन? आप बहुत चालाक हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ज्यादा चालाक के गले में फंदा। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, फिलहाल तो अभी कुछ नहीं, रुकिए, कालनाग को पकड़ने के इंतजार में हूँ। कालनाग मतलब? हाँ, बिल खोद रही हूँ, बिल खोदते खोदते मुझे मिल ही जाएगा आपके जैसा काला नाग। तुम मुझे जानती नहीं हो जगधात्री। जानती हूँ, अभी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो पुलिस को खबर कर दूंगी। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास? सब साबित हो जाएगा। आपका वो जमाई राजा और आपके साथ बाय वन गेट वन फ्री वो उत्सव मुखर्जी, संभल कर रहिएगा। काउंटडाउन स्टार्ट।
मेहंदी, जमाए राजा जी बाहर आ जाओ। क्या समझ में आया तुझे? तेरे चाचा ससुर जी थे और तुम्हारे चाचा मेहंदी, वो बंदर और रोटी की कहानी सुनी है ना तूने? तू एक बंदर और दूसरा बंदर। छी 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 छी। जमाई जी बड़े हैं तुझसे, इन्हें ऐसे बंदर मंदर नहीं बोलते हैं ना? जगदात्री, तुम मेरे साथ चाल चल रही हो, खेल रही हो। वो क्या करेंगी और क्या करेंगी? वो कुछ नहीं कर पाएंगी, सिर्फ ऑफिस खुलने की देरी है, उसके बाद मैं ही तुम्हें यहाँ लाकर बिठाऊंगा, फिर देखता हूं ये कैसे रोकती है। चलो। हेलो बड़ी दीदी, क्या हुआ? काकुन ठीक है ना? अभी तक तो ठीक है। इस छोटे से शरीर में अभी तक थोड़ी थोड़ी सांसें चल रही है। आप चिंता मत कीजिए बड़ी दीदी, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे बोल रही हूँ बड़ी दीदी, काकुन अच्छी हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी आ रही हूँ। मैंने जगत धात्री को फोन नहीं किया। मतलब? मैंने जैस सान्याल को फोन किया है। मुझे कुछ समझ नहीं आया बड़ी दीदी। क्यों नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया तुम्हें? चुटकी बजाकर तुम चोरी के गहने निकाल सकती हो? उस बाका नाम के आदमी को जो उस धार लगाने वाले को मारने गया था, उसे तुम चुटकियों में अरेस्ट कर सकती हो? तुम तो बहुत शातिर हो, तुम तो एक ऑलराउंडर ऑफिसर हो। एक पल में तुम दीपू को अरेस्ट कर सकती हो। जगधात्री, तुम नहीं कर सकती? काकुन को जिसने शूट किया है, तुम उसे अरेस्ट नहीं कर सकती? बोलो। किया है मैंने। क्या? हाँ बड़ी दीदी, उसे अरेस्ट किया है। जिसने काकुन को शूट किया है, उसे मैंने अरेस्ट किया है। अरे वो तो एक भाड़े का गुंडा है, शूटर है। जगधात्री, मैं उस आदमी की बात कर रही हूँ
जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के पीछे है, जिसने मेरी बेटी मेरी काकुन को मारा है। काकुन उसका शिकार नहीं थी बड़ी दीदी। क्या? हाँ, वो आपको मारना चाहता था। वो जो दिव्या सिंह का प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में आप मत जाइए मैडम। नहीं जाऊँ मतलब? आप मत जाइएगा मैडम, मत जाइएगा। हाँ लेकिन क्यों? मुझे खबर मिली है। कैसी खबर? उस दिन आपको टारगेट किया जाएगा। तो फिर उसे ढूंढ कर निकालो जगतधात्री, इमीडिएटली उसे ढूंढ कर निकालो। और अगर उसे ढूंढ नहीं पाई तो हमारा न्यूज़पेपर, हमारे न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स, कॉलम्स के साथ साथ हेडलाइंस, ये सब तुम्हारे डिपार्टमेंट के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारे डिपार्टमेंट में किसी को भी सोने नहीं देंगे, मैं बोल रही हूँ। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कलम में कितनी ताकत है, और हमारा पेपर, हमारा न्यूज़पेपर कितना फेमस है लोगों में। बड़ी दीदी, आपकी बातें मुझे धमकी जैसी लग रही है। ये धमकी नहीं है जय सान्याल, इट्स अ फैक्ट, इट्स माय ऑर्डर। ये कौशिकी मुखर्जी का ऑर्डर समझ सकती हो। देखो जैस, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें हमारे घर में टॉलरेट किया है, तुमने जो जो बोला है मैंने सब किया है, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम सही हो। लेकिन आज अगर तुम असली खूनी को या असली अपराधी को नहीं ढूंढ पाई तो तुम मुझे जानती नहीं हो। इस कौशिकी मुखर्जी को तुम जानती नहीं हो, इस शहर में आग लग जाएगी। मैं तुमसे बोल रही हूँ, शहर में आग लग जाएगी। आई वॉन्ट दैट किलर इमीडिएटली, समझ रही हो तुम? मिल जाएगा वो आपको, आई प्रॉमिस। जगतधात्री सन्याल का एक प्यारा रिश्ता, बहुत करीबी, कौशिकी मुखर्जी को दूसरी बार कोई मारने के लिए अटेम्प्ट करे वो ये होने नहीं देगी, आई प्रॉमिस। उसे ढूंढ कर घसीटते हुए सलाखों के पीछे लेकर आऊंगी, जस्ट बिहाइंड द पार्स, आई प्रॉमिस बड़ी दीदी। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? नहीं, वो डॉक्टर ने दवाई लाने के लिए कहा था, इसीलिए। डॉक्टर ने दवाई लाने को कहा था? तुमसे कहा था? तुम यहां क्यों आए हो? क्यों आए हो तुम? जाओ जाओ यहां से, जाओ। डॉक्टर, इंजेक्शन। ए, मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही है तुम्हें? मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो यहाँ? घर का बड़ा बेटा होने के नाते यहाँ आना मेरा कर्तव्य है पापा। Shut up! Dad, Dad, आप क्या कर रहे हैं? धीरे बात कीजिए। यहाँ प्रेस के लोग ताक बिठाए बैठे हैं। अगर एक बार उन्हें पता चल गया ना कि ये स्वयंभू मुखर्जी खुद को आपका बेटा होने का दावा करके यहाँ पर खड़ा है, तो आप समझ रहे हैं कि क्या होगा? काकुन से भी बड़ी न्यूज बन जाएगी ये। और कितने दिन छुपा कर रखेंगे? पाप कभी छुपाया नहीं जा सकता। हे, तुम हर वक्त ऐसे बात नहीं करोगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इरिटेशन होती है मुझे। और मेरी इरिटेशन, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए? प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्यों इस तरह से झगड़ा कर रहे हैं? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं?
काकुन की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी हालत खराब है, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। आज तक कभी समझा है क्या मुझे? बिल्कुल भी समझा है आज तक? हमेशा सिर्फ शिकायतें, शिकायतें और शिकायतें। मैं कितनी बार बोल रहा हूँ कि ये लड़का फेक है, ये लड़का धोखेबाज है, ये प्लान है और इस प्लान को किया है वो जगधात्री ने। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैं साबित कर दूंगा कि ये फेक है। ए, चल चल। डैड सुनिए मेरी बात। डैड ये क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, आपने बीपी की दवाई ली है? तबीयत खराब हो रही है ना? नहीं, मैंने बीपी की दवाई नहीं ली। मेरा बढ़ जाना ही अच्छा है, मेरा मर जाना ही अच्छा है। प्लीज चुप हो जाइए। आपको हाई बीपी है, आप ऐसे करेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए आप, प्लीज। मैं आपकी दवाई का इंतजाम करती हूँ। ओके ओके, थोड़ा शांत हो जाइए आप। इनकी दवाई यहाँ है। मैं जानता हूँ इन्होंने दवाई नहीं ली, ये लीजिए आपकी ब्लड प्रेशर की टैबलेट, मैं ले आया, आप खा लीजिए। आई लव यू पापा, लव यू। चाहते हो तुम उनके बेटे हो? तुम उनके बेटे नहीं हो। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल ठीक कहा है, तुम राजनाथ मुखर्जी के बेटे नहीं हो, नहीं हो तुम। तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारे परिवार की तस्वीर कितनी बदल गई है ना? लोग कितने अजनबी लग रहे हैं। एक छोटी सी बच्ची अंदर आईसीयू में सो रही है। इतने कोमल शरीर के अंदर बुलेट घुस गई थी, ऑपरेशन करके उसे निकाला गया है। अभी तक उसे होश नहीं आए, तकलीफ में हो रही। और यहाँ पर मेरे चाचा जी, चाची जी, स्वयंभू, ये क्या हो रहा है? मुखर्जी परिवार हो आप लोग? हाँ, मुखर्जी परिवार। ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों? देखिए चाचा जी, अगर परेशानी हो तो प्लीज आप लोग यहां से चले जाइए। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यकीन कीजिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन रिश्तों को लेकर आईसीयू के सामने भगवान के लिए आप लोग लड़ाई मत कीजिए, प्लीज। मेरी बेटी अंदर तकलीफ में है, शी इज डाइंग। नहीं नहीं, वो अच्छी हो जाएगी, हमारी काकुन ठीक हो जाएगी। सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे कौशिकी, मुझे माफ कर दे। सॉरी, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। सॉरी सॉरी सॉरी। आप चाहते थे अपनी बहू को बिजनेस की जिम्मेदारी दी। आपकी बहू ने मेरे पास आके जिम्मेदारी मांगी और मैंने भी उसे जिम्मेदारी दे दी।
देखिए संभाल पाती है या नहीं। माफ कीजिएगा, मैंने उसे घुसने नहीं दिया आपके कैबिन में। कौन? केबिन में घुसने नहीं दिया मतलब? तुम केबिन में जाने से मना करने वाली कौन होती हो? मैं कोई नहीं हूँ, पर जो जहाँ पर अच्छा लगता है उसे ही वहाँ रहना चाहिए, है ना सानवी? और बड़े दीदी, आपने मेहंदी को भेजा था मीटिंग अटेंड करने के लिए, डेलीगेट होटल में थे सब, और इधर आपके घर की बहू आपके केबिन में घुसने की कोशिश कर रही थी। एक चैलेंज दिया था ना उसने आपको कि वो एक दिन आपके चेयर पर बैठेगी, वो अपना स्वार्थ मिटाने गई थी। तुम्हें क्या? Who are you? तुम इसके बीच में क्यों आ रही हो? अब प्लीज इस तरह से चिल्लाइए मत, ये एक हॉस्पिटल है, आपकी इनसिक्योरिटी ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि आप हॉस्पिटल में खड़े होकर इस तरह से चिल्ला रहे हैं। आप मेरे ससुर जी हैं, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, और आप लोग प्लीज घर लौट जाइए, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ, आप लोग खा लीजिए। स्वयंभू, क्या अब हमें निकलना होगा? हाँ। कहाँ जाओगी? बड़े हक से कौशिकी मुखर्जी ने मुझसे एक चीज मांगी है। मैं तुमसे बता रही हूँ, इस शहर में आग लग जाएगी। I want that killer immediately, समझ गए तुम? क्या मांगा है? कुछ नहीं। बड़ी दीदी, आपकी मांग मैं जरूर पूरी करूंगी। अरे बस बस, क्या कर रही हो तुम? दीदी है ना, इसलिए आशीर्वाद ले रही हूँ। आप आशीर्वाद नहीं देंगी? क्या हुआ? सर पर हाथ नहीं रखेंगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मजाक कर रही है क्या? क्या करना चाहती है ये? वो आप नहीं समझेंगे, आप अपने पांचवे सेंस से सोच सकते हैं, लेकिन छठवीं इंद्री, आपकी सिक्स्थ सेंस काम नहीं कर रही है ड्यू टू इनसिक्योरिटी। मेरे मन में कोई अफसोस नहीं है कि मैंने मेहंदी को उस चेयर पर बैठने नहीं दिया, क्योंकि सच कहूं तो सिंहासन पर राजा या रानी ही अच्छे लगते हैं, सलाहकार नहीं। हेलो भैया, चंद्र बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भैया जगधात्री को इस घर से निकाल दो। क्यों, क्या हुआ? कुछ बड़ा होने वाला है, वो एक बड़ा जाल बिछा रही है। मैं तुमसे बोल रहा हूँ भैया, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ। हुआ क्या ये तो बता। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम उसे निकालो, घर से निकालो। निकालना तो पड़ेगा ही, सबको निकालना पड़ेगा। मुखर्जी परिवार के सामने जो जो कांटा बनकर खड़े हैं सबको उखाड़ फेंकूंगा मैं। राजनाथ मुखर्जी है मेरा नाम। शिवानी, शिवानी। हाँ बोलो दीदी। अब डैड का खाना बन गया? डैड ने कुछ नहीं खाया, मैंने डैड को बुलाया है, तुम लंच सर्व कर देना। हाँ, हॉस्पिटल में जो लोग हैं
उन्होंने कुछ नहीं खाया है। मॉम को खाना भिजवाना है। और तेरा भैया आ रहे हैं। एक हादसे ने घर को हिला कर रख दिया है ना, और काकुन के साथ ऐसा होगा, उसकी ऐसी हालत होगी, ये मैंने सोचा भी नहीं था। सानवे। हाँ डैड। मैं नहा के फ्रेश होके आता हूँ। तू एक काम करना, मेरी अलमारी में पैसे रखे हैं, वहाँ से 5 लाख रुपए निकाल कर ड्राइवर को दे दे, देकर हॉस्पिटल भेज दे। बाद में नहा लीजिएगा। कौन? बहुत देर हो गई है, पहले आप खा लीजिए। तुम मेरे खाने के बारे में नहीं सोचोगी। तुम्हारे यहाँ आने से पहले भी मैं खाना खाता था, समझ गई तुम? बल्कि तुम्हारे आने के बाद से मुझे परेशानी हो रही है। तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर नहीं करोगी। ये क्या, आप तो मेरे ससुर जी हैं, जगधात्री। ये सारी बातें अभी रहने दो। अच्छा तुम क्यों डैड को इरिटेट कर रही हो? हाँ मैं क्यों इरिटेट करूंगी, मैंने तो इनके लिए प्यार से खाना बनाया है। शिवानी दी आप खाना ले आओ ना, मैं इन्हें सर्व कर देती हूँ। उनका खाना मतलब सबके लिए तो एक ही खाना बना है। नहीं, आज इनके लिए स्पेशल खाना बनाया गया है, आलू हरे प्याज की सब्जी, और उसके साथ आपको हरा प्याज पता है ना क्या होता है? हरा प्याज? हाँ, आज इनके लिए आलू हरे प्याज की सब्जी, पतली मसूर की दाल, उसके साथ झींगा मसाला फ्राई, और उसके साथ क्या, सुरन की चटनी बनाई है। डैड ये सब नहीं खाते, ये क्या फालतू डिशेस बनाई हैं आपने? ये ऐसे डिश खाते हैं, तभी तो मैंने ये सब बनाया है। जाने दो। शिवानी दी आप छोड़ो, मैं इनको खाना सर्व कर देती हूँ। रुको, ये सब मैं नहीं खाता। आर यू श्योर? 100%। ये सब खाना मैं नहीं खाता, ये सब यहाँ नहीं बनता, मैं नहीं खाता। ये क्या, उर्मिला मुखर्जी जब बना कर देती थी तब तो आप बड़ी खुशी के साथ खाते थे।